अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। चिकन फ्राइड राइस के साथ मैंने ब्लैक पेपर चिकन को जो है वो सर्व किया था, तो ये उसकी रेसिपी मैंने आपको कहा था हम अगली वीडियो में शेयर करेंगे। तो आज हम ब्लैक पेपर चिकन की रेसिपी लेके हैं, जो कि मेरी अपनी रेसिपी है। मैं अपने स्टाइल से बनाती हूँ और बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट होता है। इसमें स्पाइसेस में सबसे पहले 1/2 टीस्पून मैंने चिली पाउडर लिया है, 1 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर, सॉल्ट और गार्लिक पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून चिली सॉस और यहाँ पे 1/2 कप दूध लिया है। और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। इसमें 2 टेबल स्पून हम कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे और अच्छे से ही जो हमारा बैटर है इसको रेडी करेंगे। और उसके बाद हम इसमें चिकन जो है हमने क्यूब्स फॉर्म में काट लेना है। चिकन ब्रेस्ट का जो है वो हमने पीस लिया था, जो वेट में अप्रॉक्सीमेटली 230 ग्राम्स के करीब था। और इसको मैरिनेट होने के लिए रख देना है फ्रीज़र में आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद आपने एक पैन में 1/2 कप तेल लेना है, उसमें 4 अदद लहसुन के जवे उनको चॉप कर लेना है या पीस लें, जैसे आपको इजी लगता है वो डाल के साथ ही आपने चिकन का जो हमने मैरिनेट होने के लिए रखा था वो चिकन इसमें ऐड कर देना है। और जैसे ही आप चिकन ऐड करेंगे आपने जो फ्लेम है इसको मीडियम कर देना है और इसको कुक करना है यहाँ तक कि जो उसके अंदर दूध था वो टोटल ड्राई हो जाए। यहाँ पे लाइट चली गई थी और मेरा फ़ोन भी बंद हो गया था, तो मुझे आइडिया नहीं हुआ, तो वो वीडियो का जो स्टेप था एक रिकॉर्ड नहीं हुआ था। यहाँ पे जब वो चिकन का कलर चेंज होगा तो आपने तकरीबन इसके अंदर 1 कप पानी डालना है और इसका जो फ्लेम है वो स्लो कर देना है। उसके बाद उसमें 1 चिकन स्टॉक आपने डाल देना है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर डाल देनी है, 1 टीस्पून आपने इसके अंदर गार्लिक पाउडर डालना है, 1 टेबल स्पून आपने सोया सॉस का ऐड करना है। और इसको अच्छे से कुक करने के बाद आपने थोड़ा सा पानी बीच में और ऐड कर देना और इसको 4 से 5 मिनट के लिए जो है वो पकने देना है चिकन को। यहाँ पे जी चिकन का जो पानी है वो ड्राई हो गया था तकरीबन, तो यहाँ पे मैंने जो है वो 1 अदद दरमियानी शिमला प्याज, 1 छोटे साइज़ का जो प्याज था वो, और 1 कप इसमें मैंने कैश्यू नट्स और 7 पीनट्स लिए थे। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थिक होगी या वो ये थोड़ी ग्रेवी फॉर्म में होगी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे थोड़ा ये ड्राई अच्छा लगता है तो मैंने इसको ड्राई रखा था। वेजिटेबल बिल्कुल लास्ट पॉट में डालनी है ताकि ये सॉकी ना हो और बहुत मज़े का बन के तैयार होता है। उम्मीद करते हैं जी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी, आप इसको लाजमी ट्राई किया जाएगा, कमेंट में हमें लाजमी बताएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।